सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है रोशन पटेल। आज की टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वीडियो के अंदर इनसाइड टैग्स किस तरीके से क्रिएट करें। तो आज हम बताने वाला हूँ कि किस तरीके से क्रिएट करें इनसाइड टैग्स, वो भी प्रीमियम प्रो में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सो आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक ड्रोन का क्लिप है जो बिल्डिंग का है। अभी इसके अंदर इनसाइड टैग्स क्या क्रिएट करेंगे, तो अब फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, टी फ्रेश करके टाइटल ले आना है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ। इस तरीके से अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं, सेंटर में लाके इसको अराउंड 700 के आसपास कर दूँगा। इसको सेंटर में ले आता हूँ, थोड़ा सा और इसको बड़ा करूँगा 750 के आसपास, इतना ऑलमोस्ट चलेगा। इसको मैं दोनों को सेम कर दूँगा, थोड़ा सा और बड़ा चाहिए मेरे को हल्का सा, तो इसको इस टाइप से इतना बस। अब इसके बाद क्या करना है, वीडियो का लेयर पे क्लिक कर देना है, इफेक्ट में जाना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैक लिखा हुआ है, इसको ट्रैक एंड ट्रैक मैट की को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है वीडियो को क्लिप पे। इस टाइप से मैं एक वीडियो के ऊपर क्लिक करके वीडियो के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इफेक्ट कंट्रोल में जाना है और आप देख सकते हैं ट्रैक मैट की, और यहाँ पे मैट जो लिखा है इसके ऊपर क्लिक करके उन्होंने लिखा है इस पर। आपको यहाँ पर देख रहे हैं सेकेंड लेयर है, फर्स्ट सेकेंड, तो यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड लिखा हुआ है। इसके ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे तो वीडियो इसके अंदर आ जाएगा टैग्स के अंदर। तो देखिए करके दिखाते हैं, तो देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा लुक है। तो देख सकते हैं इस टाइप से आ जाएगा। इसको एक बार आप देख लीजिए, ऐसा चाहते हैं तो ऐसा भी आपको हो सकता है, ऐसा चाहते हैं तो ऐसा भी हो सकता है। तब इसको अभी एनिमेट करने वाला हूँ, जूम आउट से जो इन करूँगा। तो स्टार्टिंग में क्या करना है, मेरे को क्या करना है, टाइटल पे प्रेस रख के, और ये आप देख सकते हैं पोजीशन और स्केल को दोनों को मार्क कर देना है, ओपन कर देना है। इसके बाद मैं स्केल को थोड़ा इस टाइप से खोलूँगा, देख सकते हैं इस टाइप से। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, थोड़ा पोजीशन को इस साइड से ऐसा ले आऊँगा, तो ये आप ब्लैक दिख रहा है ना, वो निकलना चाहिए। यस, अब निकल गया। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे क्लिप ले जाऊंगा, इसको कर दूंगा 100, और इसके बाद फिर इसको कर दूंगा 960, ये अपना पोजीशन पे आ जाएगा। तो सो आप देख सकते हैं किस तरीके से क्रिएट हुआ है, दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं थोड़ा ये अटक रहा है, तो इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ सीक्वेंस में जाके रेंडर, यू नो थोड़ा से वर्क टाइम लेगा, 4 से 5 सेकेंड, ऑलमोस्ट 25 सेकेंड ले रहा है टाइम। इसको एक्सपोर्ट होगा उसके बाद ही मालूम चलेगा किस तरीके से क्रिएट हुआ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देख सकते हैं थोड़ा और टाइम लेगा ये, तो आप देख सकते हैं फाइनली ये एक्सपोर्ट हो गया है। अब इसका लुक देखते हैं किस तरीके से हुआ है, तो काफ़ी शानदार है जो अब बेडिंग हाईलाइट या टीचर में इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं इस। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही था।